सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस रिंग के बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितुवारी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सभी देशों के संसद के नाम याद करवाऊंगा और 100% अभी याद करवाऊंगा। बस आपको कितना करना है कि एक वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, पास में बनी हुई बेल पर क्लिक करना है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा, ठीक है। और इस सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं है, है ना, ये चार्ज फ्री है, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आपको याद करना है। मैं आपको बताऊंगा 27 देश जिनकी संसद के नाम, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में आता है कि ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है, है ना। आपको कम समय में ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे चलते हैं कैसे याद करना है। सबसे पहले पार्लियामेंट याद करो, पार्लियामेंट, और चार देशों की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। किस किस देश की संसद को, देखो यहाँ पे, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब जो पार्लियामेंट किसे बोलते हैं, देखो इंडिया की जो संसद है उसे संसद कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में पार्लियामेंट हम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसको कैसे याद करेंगे, तो पार्लियामेंट बिक आय, है ना, ऐसे याद करो, बिक आय, ठीक है। क्या बिक आय, क्या बिक आय, पार्लियामेंट बिक आय, है ना। तो बिक से हो जाएगा ब्रिटेन, कनाडा, और आय से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, है ना, और ऑस्ट्रेलिया, आय, आ से हो जाएगा आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इन सब की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये बताओ, पहले आप लोगों को मालूम है कि भारत की संसद को संसद कहा जाता है, और भारत के बगल में कौन सा देश है, बांग्लादेश, और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। भारत की संसद संसद, बांग्लादेश की संसद जातीय संसद। अब भारत के बगल में एक और देश है, कौन सा है, नेपाल। नेपाल इतना छोटा देश है तो उसकी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है, बहुत छोटा देश है। तो राष्ट्रीय पंचायत, है ना, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है, नेपाल की। जातीय संसद बांग्लादेश की, और संसद भारत की। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, ब्रिटेन तो आपको मालूम होगा, कभी नहीं बोलोगे कि ब्रिटेन जो है, जो पार्लियामेंट ब्रिटेन में कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन इंग्लिश से बोलते हैं, है ना, उनका शासन था यहाँ पे, और हम लोग हिंदी बोलते थे, तो हमारी जो संसद है संसद कहलाती है, ब्रिटेन की संसद पार्लियामेंट कहलाती है। बस ब्रिटेन के साथ कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया याद करना है आपको, ठीक है। तो आपको ये चारों याद हो गए, याद हो गए। अब यहाँ पे देखो, इसको देखो कैसे याद करोगे आप, नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस, कहाँ पे, पाकिस्तान, हंगरी और फ्रांस में, तीनों जगह की संसद, तीनों देशों की संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली। तो असेंबली से रिलेटेड जितने भी है मैंने एक लाइन में लिख दिए, तो कैसे याद करना है, देखो यहाँ पे, पाकिस्तान आपको मालूम है कैसा देश है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने हंगरी लोगों को फंसा लिया। हंगरी मतलब होता है भूखे लोग, प्यासे लोग, है ना, भूखे प्यासे लोग होते हैं जो, उनको बोलते हैं हंगरी, हंगरी माने होता है भूखा व्यक्ति, ठीक है। तो क्या बोल, क्या किया पाकिस्तान ने, हंगरी लोगों को फंसाया अपने जाल में, ठीक है। तो कोर्ट ने जब पाकिस्तान से बोला कि आपने हंगरी लोगों को फंसाया था, तो जो पाकिस्तान है वो कोर्ट से बोला ना, क्या बोला कि ना, मैंने ऐसा नहीं किया। तो ना का मतलब क्या हो गया, नेशनल असेंबली, ठीक है ना। तो आपको कितना याद करना है कि पाकिस्तान, हंगरी फंसाया से फ्रांस, पाकिस्तान ने हंगरी लोगों को फंसाया, तो पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस, कोर्ट ने कहा कि आपने हंगरी लोगों को फंसाया पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से क्या कहा कि आपने हंगरी लोगों को फंसाया, तो पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस, पाकिस्तान ने कहा ना, एन ए, नासी, नेशनल असेंबली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इसमें एक तो नेशनल असेंबली है, एक है पीपुल्स असेंबली, एक है फेडरल असेंबली, तीन असेंबली है। तो नेशनल असेंबली किसकी है, पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस, ध्यान रखना।
अब मैं बोलूं पीपुल्स असेंबली किसकी है, तो मिस्र की। तो जो लोग होते हैं पीपुल्स होते हैं वो मिश्रित होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं, है ना। पूरे विश्व में जो लोग हैं मिश्रित है, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, ठीक है, कोई एवरेज है, ठीक है ना। तो याद रखना कि मिस्र की जो जो संसद का नाम है उसको बोलते हैं पीपुल्स असेंबली। मिस्र से याद आ जाएगा, मिस्र कौन होते हैं, लोग होते हैं पीपुल्स, तो मिस्र की संसद है पीपुल्स असेंबली। और स्विट्जरलैंड की संसद को है फेडरल असेंबली। इसको कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे स्वीट माने क्या होती है, स्वीट माने होती है मिठाई, स्वीट माने होती है मिठाई, और जर माने होती है जलना। सपोज करो किसी की मिठाई जल गई, तो फेडरल को बोलो फील डर, फील माने होता है प्रतीत होना, उसे डर फील हो रहा है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि मिठाई जल गई। कोई आदमी काम कर रहा है किसी दुकान पर या घर पर किसी के, और मिठाई बना रहा था, उसकी मिठाई जल गई, मालिक दूसरा है, तो उसे कैसा फील हो रहा है, डर फील हो रहा है, फील डर, है ना, फील डर से हो जाएगा फेडरल असेंबली। तो जब भी आप देखोगे स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जर मतलब मिठाई जल गई, तो डर फील करेगा, तो क्या करेंगे, फेडरल असेंबली, ठीक है। फ्रांस का आंसर क्या है, पीपुल्स असेंबली। स्विट्जरलैंड का क्या है, फेडरल असेंबली। और पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस, इसका क्या है, नेशनल असेंबली, ठीक है। ये हो गई आपको, यहां बता दिया मैंने कि भारत की संसद, बांग्लादेश की जातीय संसद, और नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये बहुत आती है कि डाइट और ड्यूमा। तो ऐसे याद करो कि जो जापान के लोग हैं वो डाइट पे बहुत ध्यान रखते हैं, और रूस के लोग हैं वो ड्यूमा पे बहुत ध्यान रखते हैं। ड्यूमा मतलब ड्यू पर, बहुत ड्यू लगा के घूमते रहते हैं, कहां के, रूस के लोग। तो रूस की जो संसद है उसको बोलते हैं ड्यूमा, और जापान की संसद है उसको बोलते हैं डाइट। रूस की संसद ड्यूमा, जापान की संसद डाइट, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पे मालदीव और ईरान, इन दोनों की संसद को बोला जाता है मजलिस। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो जो ईरान में लास्ट में लिखा रान, तो याद करो रानी, कोई रानी है, उसके बाद बहुत पैसा है, बहुत माल है, तो वो क्या करेगी, मजे करेगी, मजे लेगी, मजे करेगी, घूमेगी फिरेगी, बहुत सारा पैसा है जिसके पास, वो क्या करेगा, मजे करेगा। तो देखो ईरानी मालदीप मजलिस, ठीक है। तो मालदीप ईरानी मतलब रानी के पास माल है बहुत सारा, इसलिए क्या कर रही, मजे कर रही। तो मालदीप ईरानी मजलिस, ठीक है। तो मजलिस किसकी है, तो मजलिस जब भी आ जाए मज से, मजा से, तो या तो रानी से संबंध, माल से संबंध ध्यान रखना, तो मालदीप ईरानी मजलिस, ठीक है। इसके बाद 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये क्या लिखे हुए हैं, ये संसद के नाम लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बोर्ड की कमी थी तो मैंने इनके देश के नाम नहीं लिखे, आप लिखते जाना, अभी मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। सारे इंपोर्टेंट है, सबसे पहले देखो सूरा, सूरा किस देश की संसद का नाम है, सूरा है अफगानिस्तान की संसद का नाम, ठीक है। किसकी, अफगानिस्तान। अब कैसे याद करोगे, सूरा भूल जाओगे बाद में, तो ऐसे याद करो अफगानिस्तान। कोई व्यक्ति हर बात पे गन तान लेता है, गन तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान मतलब अफगानिस्तान, तो सूर हो जाएगा बीच में, किसी बीच मार्केट में यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति पर गन तान लेते हो तो क्या होगा, आसपास में माहौल में सुर मच जाएगा, ठीक है। तो क्या है, अफगानिस्तान सूरा, अफगानिस्तान, कोई व्यक्ति कह रहा है अफगानिस्तान लेता है बार बार में, मतलब सूरा, ठीक है, अफगानिस्तान सूरा। कांग्रेस मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सूरा हो गया, अफगानिस्तान है रखना। कांग्रेस वो है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। तो कांग्रेस कहां की संसद का नाम है, अमेरिका की, ठीक है। देखो यहाँ पे नेसेट, नेसेट कहां की संसद का नाम है, नेसेट है इजराइल की, इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। तो कैसे याद करेंगे, यहाँ पे लास्ट में देखो सेट है ना, जो सेट से सेंट कर लो, सेंट कर सकती है, सेट भी कर सकती है, तो नेसेट मतलब सेंट, सेंट, कोई व्यक्ति कह रहा है मुझे जरा सी सेंट लगा लो, या मुझे जरा सेंट लगाना है ना, तो देखो इजराइल, इजराइल है ना, तो इसमें क्या लगा, अरबी में जरा, तो कोई व्यक्ति कह रहा है जरा से सेंट लगाना है, तो नेसेट इजराइल, नेसेट इजराइल, नेसेट इजराइल। कांग्रेस अमेरिका, कांग्रेस अमेरिका, संसद भारत, जाति संसद बांग्लादेश, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल,
ठीक है, इनको साथ में ऐड करते जाना। तो 16 अफगानिस्तान, कांग्रेस, अमेरिका, नेसेट, इजराइल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होल किटिंग कोर्स और रिक्स डॉग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फुल किटिंग कोर्स और रिक्स डॉग, फुल किटिंग डेनमार्क। तो इसको कैसे याद करेंगे, फुल कटिंग, कटिंग का मतलब है कट कर दिए, क्या कर दिए, मार्क कट कर दिए। तो डेनमार्क को ऐसे याद करो डेनमार्क, आपके कितने नंबर काट लिए, आपके ना मेरे फुल नंबर काट लिए, फुल कटिंग कर दी। वो किसी ने पूछा कितने की, तो आप बोलोगे टेन मार्क की मेरी कटिंग कर दी, बल्कि मेरे 10 मार्क नहीं कटने चाहिए थे एग्जाम में, 10 मार्क काट लिए, तो आपके ना फुल कटिंग कर दी मैंने 10 में से 10 की। तो फुल कटिंग मतलब 10 मार्क, तो आपको याद करना है डेनमार्क, ठीक है। कोर्स, ठीक है, इसको कोर्स को मैं बताता हूं बाद में। इसको देखो रिक्स डॉग का क्या हो जाएगा, जो रिक्स डॉग है स्वीडन, याद रखना स्वीडन, कैसे याद करो, देखो इसको स्वीडन, सुई रिक्स डॉग माने क्या होता है, कुत्ता है ना, कुत्ते के पास जाना रिक्स है, किसको लेकर, सुई को लेकर, या सुई को डेन, सुई देने के लिए अगर कुत्ते के पास जाता है तो अब बहुत बड़ा रिक्सी काम है, कैसा है, रिक्सी। तो रिक्स डॉग स्वीडन, ऐसा कह लो कि सुई लेके आप कुत्ते के पास जा रहे हैं तो ये रिक्स है, तो रिक्स डॉग स्वीडन, ठीक है। बुश टैग किसकी है, बुश टैग है जर्मनी की। तो याद रखो कि जर्मनी का तानाशाह है इतना खतरनाक था हिटलर कि वो बुश टैग, बुश माने क्या होती है, लकड़ी है ना, कि वो लकड़ी पर अगर संदेह हो तो लकड़ी को भी टांग के टांग देता था उल्टा, ठीक है। तो क्या लिखा, बुट्स टांग करना, बुट्स माने होती लकड़ी, लकड़ी को भी टांग देता था अगर उस पर संदेह है, ठीक, इतना खतरनाक था। ये सब क्या हाइपोथेटिकल बात बता रहा हूँ, लकड़ी को क्यों टांगता था, कैसे, इस पर ध्यान मत देना, बस याद करने के तरीके को बता रहा हूं मैं, जिससे कि याद हो जाए, कभी भी आए कि जर्मनी की संसद का क्या नाम है तो हमें याद आ जाएगी, बुट्स्टाग है ना, वो कभी अगर याद भी नहीं है तो ऑप्शन से याद आ जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या लिखा, स्टार्टिंग को ऐसे कहो स्टार्ट, क्या स्टार्ट होती है, नाव स्टार्ट होती है, तो नॉर्वे की है स्टार्ट स्टार्टिंग, तो नॉर्वे स्टार्टिंग, ठीक है। बुट्स्टैग किसकी है, तो बुट्स्टैग है जर्मनी की। खुरल किसकी है, खुरल है मंगोलिया, याद रखना मंगोलिया खुरल, ठीक है, इंपोर्टेंट है याद रखना, ठीक है, मंगोलिया खुरल। स्टार्टिंग कौन स्टार्ट होता है, नाव, तो नाव से नॉर्वे, स्टार्टिंग नॉर्वे, मंगोलिया खुरल, ठीक है। इसके बाद देखो यहां पे पोलैंड की होती है संजम, ये लिखा संजम, पोलैंड की क्या होती है, पोलैंड की होती है संजम, ठीक है। जो कोर्स है वो स्पेन का है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोर्स, लेकिन कोर्स क्या है, कोर्स स्पेन की संसद है, कोर्स स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, साड़ युद्ध है ना, तो क्या है, और इसकी संसद का नाम क्या है, कोर्स, कहां की, स्पेन की, ठीक है। और दीवान निगारा कहां की है, मलेशिया, ठीक है, दीवान निगारा मलेशिया, ध्यान रखना इसको, दीवान निगारा मलेशिया और स्पेन कोर्ट्स। अब मैं आपसे एक करके पूछता हूं, थोड़ा सा याद रखना, खुरल मंगोलिया, जो टफ है वो बता रहा हूं, जो आपको याद नहीं होंगी अभी, मुझे मालूम कौन कौन सी नहीं होगी, खुरल कहां की है, मंगोलिया, दीवान निगारा कहां की है, मलेशिया, दीवान निगारा मलेशिया, ध्यान रखना मलेशिया और मंगोलिया एक ही जैसा लगता है इसलिए, है ना, तो मंगोलिया खुरल की है और दीवान निगारा मलेशिया की है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे रिक्स डॉग हो गया होगा स्वीडन, ठीक है, सुई लेके रिक्स के पास, डॉग के पास मत जाओ। और कोर्स किसकी है, स्पेन, अभी बताया कोर्स स्पेन। फुल किटिंग डेनमार्क, मतलब डेनमार्क हो गया होगा। बुश टैग किसको, कौन टांगता था बुश को, जर्मनी।
संयम याद कर लेना, ये भूल जाओगे, संयम पोलैंड, ठीक है, संयम पोलैंड, इसको याद करना ध्यान से, संयम पोलैंड, ठीक है। तो आपको जो याद करने वाली है मैं बताऊं, एक तो खुरल हो गई मंगोलिया, दीवान नगारा हो गई मलेशिया, और संयम हो गई, ठीक है, पोलैंड, इसके बाद कोर्स हो गई स्पेन, इन चारों को जरूर याद कर लेना, ठीक है। मजलिस मैंने बताया था, मजलिस मालदीव और ईरान, मजलिस हो जाएगा। और ये तो आपको याद है कि ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनकी होती है पार्लियामेंट, पाकिस्तान, हंगरी, फ्रांस, इनकी होती है ना एनए नेशनल असेंबली, अगर फेडरल असेंबली है तो फेडरल मतलब डर हो रहा है उसे, क्यों, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड उसकी, और पीपुल्स असेंबली है तो मिस्र है, ठीक है। अपन को मालूम है कि भारत की संसद है, बांग्लादेश की जातीय संसद है, और नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, सब्सक्राइब करना, थैंक यू। और इसको आप लिख जरूर लेना एक बार, है ना, जिससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और हमें जब याद नहीं रहता है तो वो क्वेश्चन फिर एक नंबर चला ही जाता है हमारा। और छोटे जी के एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टाइम नहीं लगता, यदि आपको आता है तो एक सेकंड लगेगा, आप तुरंत टिक कर दोगे, और नहीं आता है तो आप दो चार मिनट सोच भी लोगे तब भी आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मैथ में अगर क्वेश्चन आता है तब भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन जीके का क्वेश्चन आता है तो आपको टाइम नहीं लगना है, सिर्फ क्लिक करना होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इनको सबको पढ़ते चलो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वही मैं बताता जा रहा हूँ सारे, ठीक है।